हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप रिपेयरिंग का बिजनेस कैसे खोल सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप इसका कोर्स कहां से कर सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने दोस्तों बहुत सारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल रिपेयरिंग के जो इंस्टीट्यूट यानी कि कोर्स कराते हैं उनसे मैंने बात करी और सारे प्राइस मैंने डिस्कस किए उनसे। और बार्गेन करने के बाद क्या फाइनल प्राइस है, यानी कि अगर आप ये कोर्स करते हैं और सीखना चाहते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, सीसीटीवी रिपेयरिंग, प्रोजेक्टर रिपेयरिंग, इस तरीके की बहुत सारी रिपेयरिंग्स होती हैं जिसको आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं इस कोर्स को और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है 2020 के बाद सारी चीजें डिजिटलाइज, यानी कि मोस्टली चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, जितना ज्यादा लोग ऑनलाइन काम करेंगे उतना ही मोबाइल का, डेस्कटॉप का, लैपटॉप का यूज होगा, प्रोजेक्टर का, सीसीटीवी का, इन चीजों का यूज होगा, तो उतने ही ज्यादा ये चीजें खराब भी होंगी और जितनी खराब होंगी उतनी इसकी रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो मार्केट बहुत ज्यादा ब्रॉड है, कस्टमर आपको ढूंढने नहीं जाने पड़ेंगे, कस्टमर आपके पास खुद आएंगे। और इसको दोस्तों आप शॉप लेकर ऑनलाइन या फिर दोस्तों डोर टू डोर सर्विस हर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोर्स कितने में आपको करना है। और ये कोर्स दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारा फ्रॉड है मार्केट में, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस कोर्स को ज्यादा पैसे खर्च कर ना कर लें, और साथ ही में इस कोर्स को करने से पहले आप इंस्टीट्यूट में किन किन चीजों का ध्यान रखें कि ये चीजें आपको मिल रही हैं या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है दोस्तों, अगर ISO सर्टिफिकेट यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट की बात करें जो इस कोर्स को करने के बाद मिलता है, तो वो कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स नहीं देते। कुछ कंपनी का सिर्फ नेशनली वैलिड होता है, कुछ कंपनीज का इंटरनेशनल वैलिड होता है, तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर दोस्तों ये वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जैसे ही किसी भी अच्छे बिजनेस की वीडियो डालूं चैनल पर, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए। तो चलते हैं दोस्तों सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोर्स में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, बहुत कम सा खर्चा होता है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस कोर्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कहते हैं कि भैया आप सिर्फ मोबाइल की रिपेयरिंग सीख लो। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सिर्फ अगर आप मोबाइल की रिपेयरिंग सीखते हो तो भैया सीख सकते हो, लेकिन उसमें आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा और स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप और डेस्कटॉप की रिपेयरिंग भी सीख लो। अगर बात करूं दोस्तों इस कोर्स के ड्यूरेशन की, दोस्तों आप एक महीने में भी सीख सकते हो। एक महीने में अगर आप सीखते हो तो आपको कम से कम दिन की 4 घंटे की क्लासेस लेनी होंगी, और अगर आप दोस्तों आप 2 महीने में सीखते हो तो आप दिन की 2 घंटे की क्लासेस ले सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तब तो वहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, तो आप दिल्ली में आराम से सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आपको दिल्ली जाकर सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सिटी में ही सर्च करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप बाहर जाकर सीखेंगे तो आपका उतना तो खर्चा हो जाएगा जितने का ये कोर्स नहीं है। तो इस कोर्स में दोस्तों बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बेसिकली ये कोर्स होता है दोस्तों बेसिक से लेकर एडवांस तक का। अब बेसिक में दोस्तों आपको बोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में सिखाया जाता है, टेस्टिंग के बारे में सिखाया जाता है, असेंबलिंग के बारे में सिखाया जाता है, ये तीनों चीज। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं जो मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में सिखाई जाती हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों, इस बेसिक कोर्स के बाद आता है आपका एडवांस कोर्स, जिसमें आपको दोस्तों हार्डवेयर की पूरी नॉलेज दी जाती है, साथ में दोस्तों आपका लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप किस तरीके से हैंग होता है, हैंगिंग के सारे प्रोसेस बताए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मदरबोर्ड की नॉलेज दी जाती है और चिप लेवल तक की आपको रिपेयरिंग सिखाई जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस कोर्स को करेंगे, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप रिपेयरिंग का कोर्स आप कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इस कोर्स को करने के। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आपको यह चेक करना है कि कोर्स खत्म होने के बाद क्या वो आपको ISO सर्टिफाइड और गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और दोस्तों वो सर्टिफिकेट आपका नेशनल और इंटरनेशनल वैलिड है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, आप कहीं से भी करें, आपको दोस्तों एक कॉम्प्लीमेंट्री टूलकिट मिलती है, यानी कि बेसिक टूलकिट मिलती है, तो वो भी आपको चेक करना है कि क्या आपको बेसिक टूलकिट वहां पर मिल रही है कोर्स करने के बाद या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पैनल प्रोवाइड करते हैं। अब ऑनलाइन पैनल यह है कि आप कोर्स करके चले गए, लेकिन दोस्तों बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एडवांस होती रहती हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया एडवांस आता रहता है फोन्स में, लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप में। तो दोस्तों कंपनी क्या करती है, यानी कि इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, उस नई टेक्नोलॉजी का वीडियो बनाते हैं और अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको लॉगिन मिल जाता है, जो लॉगिन आप लाइफ टाइम कर सकते हैं और उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं वो किसी तरीके का ऑनलाइन पैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो जॉब प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी भी आपको देते हैं। तो दोस्तों मैं नहीं कहूंगा कि आपको जॉब करनी ही है इस कोर्स को करने के बाद, बट फिर भी आपको यह देखना है कि इंस्टीट्यूट आपको किसी तरीके का जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। अगर दोस्तों आप किसी ऐसी फैमिली से हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस कोर्स को कर सकते हैं, और अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है तो आपको दोस्तों अगर 15 से 20 हजार, क्योंकि दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आराम से बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनीज होती है जो 15 से 20 हजार रुपए में आपको अपॉइंट कर लेंगी। तो अगर दोस्तों आप 15 से 20 हजार रुपए की आपको नौकरी मिल रही है तो आप कुछ दिन के लिए जॉब कर सकते हैं, ओपनिंग कैश को जमा कर सकते हैं और उसके बाद अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों अगर जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी इंस्टीट्यूट से तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको यह भी चेक करना है कि क्या यह फैसिलिटी आपको मिल रही है जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यह चीज आपको कंफर्म कर लेनी है अपने इंस्टीट्यूट से कि भैया लाइफ टाइम सपोर्ट आपकी तरफ से मुझे मिलेगा या नहीं। यानी कि अगर नई टेक्नोलॉजीज आ जाती है जिसके बारे में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोस्तों उसको ऑनलाइन पैनल से, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा तो आप उनके इंस्टीट्यूट में विजिट करके भी वो चीज सीख सके, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करना ना पड़े। तो ये चीज आप क्लियरली पूछ लीजिएगा, वरना वो बाद में बोलेंगे भैया आईफोन का ये नया मॉडल है, इसमें ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए इतना पे करिए, तो ये चीज नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, मोस्टली दोस्तों सारे इंस्टीट्यूट में आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं। तो आप अगर पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो मैं आपको कहूंगा 1 से 2 दिन 3 दिन आप डेमो क्लास लीजिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भैया आपको हर जगह यही करना है, बट एटलीस्ट आप 2-3 जगह विजिट करिए, और क्लासेस नहीं लेंगे फिर भी अगर आप विजिट करके उनका क्लासरूम देख लेते हैं, किस तरीके के इक्विपमेंट्स में वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, चिप लेवल के लिए कौन कौन सी मशीन्स आपको उस इंस्टीट्यूट के पास हैं, तो वो सब चेक करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहां से इस कोर्स को करना चाहिए। दोस्तों कोर्स की तो बातें हो गई, अब इस कोर्स को करने में खर्चा कितना आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। अगर बात करूं मोबाइल रिपेयरिंग की, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं तो कंपनीज बहुत ज्यादा पैसे बताती हैं, बट इसका जो प्रॉपर यानी कि राइट प्राइस है वो है 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए में इंस्टीट्यूट आपको मोबाइल की रिपेयरिंग सिखा देंगे। उसमें सारे मोबाइल्स आ जाते हैं दोस्तों, CDMA सेट हो गए, एंड्रॉइड हो गए, एप्पल आईफोन्स हो गए, सारे कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग आपकी 20,000 रुपए में हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, मोबाइल के साथ साथ मैंने आपको बोला है कि आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप की रिपेयरिंग भी सीख लेनी चाहिए। अगर आप दोस्तों सिर्फ मोबाइल की रिपेयरिंग सीखते हो तो आपको 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मोबाइल रिपेयरिंग करने के बाद अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप की रिपेयरिंग करते हो अलग से, उसके लिए दोस्तों आपको 25,000 पे करना पड़ेगा। यानी कि 20,000 रुपए आप मोबाइल रिपेयरिंग में खर्च करोगे, फिर आप 2-3 महीने बाद अगर आप आके लैपटॉप और डेस्कटॉप की रिपेयरिंग सीखते हो तो फिर आपको 25,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने जो कंपनी से बात किया कि भैया मेरे को मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप, ये 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मुझे काम सीखना है, उसका क्या चार्जेस जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों उन्होंने मुझे बोला कि आप 35,000 रुपीज दे दीजिएगा, और बार्गेन करने के बाद वो 30,000 रुपए हो गया दोस्तों। तो 30,000 रुपए में आप मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप की रिपेयरिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारे कोर्सेज थे, जिसमें कि दोस्तों आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, CCTV कैमरास हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जिनकी आप रिपेयरिंग सीख सकते हो साथ में। अब यहां पर कंपनीज क्या करती हैं, जैसे ही आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे वो बोलेंगे सर आप 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा लो, अभी डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, कोई ना कोई फेस्टिवल तो भाई इंडिया में चलता ही रहता है, तो वो क्या बोलेंगे कि भैया अभी ये फेस्टिवल चल रहा है सर, इसका डिस्काउंट आपको मिल रहा है। वैसे मोबाइल की रिपेयरिंग सर 35,000 की हम कराते हैं, अभी अगर आप रजिस्टर करते हो तो हम 20,000 में करवाएंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं कि आप इंस्टीट्यूट में गए और आपने 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। आपको क्या करना है, आपको मैंने जैसे बताया 2-3 इंस्टीट्यूट में आपको पता करना है, रजिस्ट्रेशन की जल्दी मत करो, प्राइस उतना ही आपको लिया जाएगा जितना मैंने आपको बताया। इससे ज्यादा अगर कोई चार्ज कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा पैसे हैं। रजिस्ट्रेशन तभी करना जब आपका प्लान फाइनल हो जाए और आप कोर्स करने के लिए रेडी हो जाए। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जो जॉब करता है और जिस कंपनी में वो है उस कंपनी के सारे लैपटॉप, डेस्कटॉप और उस कंपनी के जितने भी कलीग्स हैं उन सबके मोबाइल वगैरह वो खुद रिपेयर करता है और उनके अच्छे खासे पैसे उधर से भी चार्ज करता है वो। और साथ में दोस्तों उसने बहुत सारी शॉप्स में अपने विजिटिंग कार्ड्स दे रखे हैं और जब भी किसी को जरूरत होती है तो वो उसको फोन कर लेते हैं और वो आराम से वो सर्विस प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स वहां से भी बना सकते हैं। जैसे कि आप दोस्तों वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता दोस्तों वेबसाइट में, आप आराम से एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं जिसके थ्रू आपको कस्टमर जनरेट हो जाएंगे, आप उनके घर पे जाके भी उनके मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप को रिपेयर कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। आजकल दोस्तों भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी टाइम नहीं है और कोई नहीं चाहता कि धूप में जाकर अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए भागदौड़ करता रहे, तो आप उनके घर पे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं और जाने आने का भी चार्ज उसमें आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप OLX में भी अपने एड को डाल सकते हैं कि भैया मैं होम सर्विस मिल जाएगी लैपटॉप, डेस्कटॉप और इन सब की रिपेयरिंग की, तो आप वहां से भी अपने कस्टमर को जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपने कस्टमर को जनरेट कर सकते हैं और अपनी
सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सेकंड हैंड फोन्स में भी डील्स कर सकते हैं। सेकंड हैंड फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। आप सबको पता है दोस्तों, हर कोई नया फोन, नया लैपटॉप, नया डेस्कटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हों। तो आप दोस्तों सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स में भी डील कर सकते हैं और अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। इवन दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो सेकंड हैंड, आपने CEX के बारे में सुना होगा, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स में डील करता है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं और साथ में दोस्तों आप इस बिजनेस को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। आप दोस्तों एक शॉप से दो, तीन, चार शॉप कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल स्टोर्स खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जब ये कोर्स सीख जाएंगे उसके बाद दोस्तों आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि इंस्टीट्यूट भी बना सकते हो अपने और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उससे भी मार्जिन कमा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के, आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करी है, काफी सारे इंस्टीट्यूट से मैंने बात करी है और सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों का पैसा कहीं ज्यादा ना चला जाए और आप कहीं किसी गलत इंस्टीट्यूट में अपने पैसे ना फंसा दें। तो प्लीज इस वीडियो को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Tell me that you love me, even if it's fake.